राम को लेकर कहा जा रहा है, तेजस्वी कह रहे हैं कि राम चाहते तो मंदिर बन जाता है। तेजस्वी जी का अलग बात है, लेकिन आप जो कह रहे हलचल, ये हलचल नहीं, हलचल करवाया जा रहा है। राम मंदिर बनना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन इसको राजनीतिक रूप देना अच्छी बात नहीं है। देश की जनता को भावना को भड़काना अच्छी बात नहीं है। मंदिर बनना, मंदिर में पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जनता के बीच में जो भ्रम फैला रहे हैं, जनता को जो भावना को भड़का रहे हैं, वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। एनसीपी के बड़े नेता है अजीत, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राम जो है वो शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे, और इंडिया अलायंस के नेता जो बीजेपी के इंडिया अलायंस जो विरोधी है। पहले सुनिए, राम के विरोधी कोई नहीं है इस संसार में, पहले मेरी बात को समझो। राम का विरोधी होता तो जटायुद्ध हुआ थी रावण से लड़ता जी, है सुग्रीव लड़ता राम के लिए, भाई को जान गंवाता। राम का विरोधी इस सनातन धर्म में कोई नहीं है, अगर विरोधी तो है उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, और कुछ पूछना है? सनातन विरोधी अगर है तो नरेंद्र मोदी। हिंदू रीति रिवाज में अगर घर में कोई परिवार का सदस्य मर जाता है तो दाढ़ी बाल कटवाते हैं, उसकी माँ मरा तो आज तक न दाढ़ी कटाया न बाल कटाया, तो कौन चीज का सनातन है जी? यानी भाजपा ने, हम खास करके नरेंद्र मोदी सब सनातन विरोधी है। लेकिन एक और सवाल है बिहार से जुड़ा हुआ, नीतीश जी को लेकर जो बात चल रही है कन्वेनर बनाने की, संयोजक बनाने की, आप लोगों की क्या मांग है, उनका चेहरा आगे क्या जाना? लोग को क्या मांग है या नहीं है, मेरा मांग है संयोजक बने और प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करे, तभी बीजेपी को उखाड़ फेंक सकते हैं। अगर नहीं बनाया गया तो इससे नुकसान होगा इंडिया का, इंडिया गठबंधन जो बना है, तब जो नेता का ऊपर के नेता जो विचार होगा उसके अनुकूल चले। लेकिन आप लोग चाहते हैं, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जब तक नहीं घोषित कीजिएगा तो बीजेपी को उखाड़ना असंभव बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए, मगर बैठकें कई बार हुई मगर संयोजक तक नहीं बने, मगर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करत करत अभ्यास की जरमत हो सुजान, रथवी आवत जात है सिल्फर परत निशान। बदराज जो था पहले जमाने में गुरुकुल में ही सब तरह की शिक्षा दी जाती, उसमें सबसे कमजोर पढ़ाई में बदराज था, उसको ज्ञान कहाँ मिला?